स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 25 नवंबर 2023। अभी बजने वाले हैं सुबह के 7। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव करके दोबारा से, क्योंकि हमारी कुल देवता और कुल देवी की पूजा है गांव में। और फिर जो भी रिचुअल्स होंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वाली ट्रिप में हम बाय रोड जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मामा ने अपनी नई कार ले ली है। तो मैं आपको मामा की कार भी दिखाऊंगा और सबसे मिलवाऊंगा। तो बिना मेरा और आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि बहुत मजे आने वाले। अभी हमने इंदिरापुरम क्रॉस कर लिया है और ये देखो सुबह सुबह 7:30 बजे का मौसम, इतना प्यारी सी धूप खिली हुई है और बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। तो अब इस सुहाने मौसम में हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, जो कि मम्मी ने बना के भेजा हुआ है। और पोल्यूशन भी हो रखा है एक तरफ से बहुत ज्यादा, तो इस चीज का भी हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। दोपहर के बज रहे हैं 12 और अभी हम आ चुके हैं काशीपुर में, देवभूमि उत्तराखंड में हम एंटर कर चुके हैं। और ये है मेरे दादा के मामा मामी का घर। तो यहाँ पर चेस का मैच चल रहा है व्योम और उसके कजिन अक्षु के बीच में, और ये अक्षु की बहन है अक्षी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा माहौल बना हुआ है गेम में, इसलिए सब लोग मतलब बहुत। तो अब हम जा रहे हैं काशीपुर से रामनगर की तरफ। और ये दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं और अभी हम आ चुके हैं रामनगर से थोड़ा सा दूर चिल्किया में। और चिल्किया में मैं आपको बता दूं, जो मेरे मम्मी के जो ताऊ ताई जी हैं उनके फैमिली के माँ मामी यहाँ पे रहते हैं। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। पिछले बार भी जब हम आए थे अक्टूबर में, तब भी हम उनसे मिलने आए थे, पर उस वक्त मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। और यहाँ का मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट है ना, हर जगह ऐसे फूल खिल रखे हैं। उधर देखो ये पहाड़ी गेंदा, इसको हैंजरी बोलते हैं पहाड़ी में, ये हो रखा है। और लोगों ने लहसुन बो रखे हैं, हरी पत्तियाँ और धनिया उगा रखा है। तो अभी हम चलते हैं और वहाँ पे उनसे मिल के आते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं उनको। बेटा आप लोग नहीं, ऐ शक्ल देख के रो गई वो। तो ये है, इसका नाम है हेमानी, घर पे इसको बोलते हैं बुबू। और ये अभी सो रही थी लेकिन अचानक से बोल रही है मेरी गोद में, तो अभी इसको सुलाते हैं। इसका मुंह सो के देखो, अरे दादा की सेकंड बेटी है ना। अभी हमने रामनगर क्रॉस कर लिया और हम आ चुके हैं रिंगौड़ा में। और रिंगौड़ा में रहते हैं मेरे
मम्मी के मामा भी, और ये है उनका घर। तो हम आते वक्त उनसे मिलने जाएंगे जरूर। तो अभी तो हम, क्योंकि हमको लेट हो रहा है अभी जाने के लिए, लेकिन हम जब वापस आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे उनसे। तो ये है गिरजा माता का मंदिर, और ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और ये कुछ ऐसा लगता है पास से। और यहाँ पे अभी हमने रिंगौड़ा क्रॉस कर लिया, ढिपली क्रॉस कर लिए, अब हम आ चुके हैं गिरजा में। और यहाँ से नीचे दिखती है कोसी नदी और माता का जो मेन मंदिर है वो। तो अभी हमको लगेंगे कभी करीब करीब 1.5 घंटा, तो अभी हम चलते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर का गेट है, ये है माता के मेन मंदिर को जाने का रास्ता। यहाँ से मतलब मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, और गेट के जस्ट बाद ही यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं पूजा सामग्री की, जो कि माता की पूजा में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो कोसी नदी है, बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है यहाँ से कोसी नदी का, पर यहाँ पे कैमरे में मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है कोसी नदी का। शाम के बज रहे हैं 5, अभी हम आ चुके हैं टुकड़ा पे, टुकड़ा पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एक गांव के मामा के, उनका एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे पहाड़ी बोला नाम से, वहाँ पे चाय पीने के लिए। और लोकल एरिया से आप लोग सब लोग यहाँ पे आना, इनको सपोर्ट करना। और अभी देखो पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है सनसेट का, एक तरफ से सनसेट हो रहा है, और दूसरी तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट हमारे पीछे की तरफ उधर से चंद्रोदय हो रहा है, यानी कि मून राइज हो रहा है। अब ये दोनों सीन एक साथ इतने प्यारे लग रहे हैं कि इनकी मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती, इतने प्यारे लग रहे हैं दो सीन एक साथ। Five, 4, 3, 2, 1, और दैट्स इट, हम पहुंच चुके हैं हिनौला। दैट्स इट, हम पहुंच चुके हैं हिनौला पे 11 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद। हम सुबह 6:30 बजे से निकले हुए थे, और अभी हम पहुंचे हैं शाम के 5:30 बजे। और 5:30 बजे यहाँ पे ऐसा अंधेरा हो रहा है जैसे गर्मियों में 7:30 बजे हो रहा होता है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर को। तो शाम के बज रहे हैं 6,
और अभी हम आ चुके हैं करगेट पे अपने घर पे। बहुत ही लंबा सफर रहा आज तो, क्योंकि जाम भी मिला हमको बहुत सारी जगह पे, बट कंसिस्टेंटली हम ट्रैवल करते रहे, हम बीच में कहीं पे रुके नहीं, तो हम पहुंच गए अभी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं कार्तिक करगेती मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।